हाय एवरीवन, वेलकम टू निरोग टुडे। आज की इस वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट के बारे में, जिसे मदार, आक, मंदार आदि नामों से जाना जाता है। यह जो आप देख रहे हैं आक का पौधा, वैसे तो जहरीला होता है और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके लाभ भी बहुत सारे हैं। यह आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, सफ़ेद रंग का जिसे आप देख रहे हैं, दूसरा होता है गुलाबी रंग का होता है। इसके सफ़ेद फूल वाले का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटी डिसेंट्रिक, एंटी सिफिलेटिक, एंटी रूमेटिक, डाइफोरेटिक गुण होते हैं, जिससे कि यह बीमारियों में लड़ने में मदद करता है। यह डायबिटीज, त्वचा संबंधी, दांत खाज खुजली और जितनी भी सारी बीमारियां हर उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में आज हम बताते हैं। मदार, इसे बोटेनिकल नेम कलोट्रोपिस जिग्नेटी है। इसकी फैमिली भी एपिकाइनेसी है। अगर जोड़ों का दर्द, जिसे आप जानते हैं अर्थराइटिस, यह भी एक भयानक समस्या है। आमतौर पर जब जिससे जैसे उम्र बढ़ती है यह होती है। 30 से 45 साल के वालों को यह ज़्यादा दर्द करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि आप जोड़ों की समस्या से परेशान हैं तो हम प्रभावित जगह पर जो आग की जो पत्तियां देख रहे हैं इसकी मदार की, उस जगह पर आप बांधते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो होती है उसकी जलन सूजन में क्या हो जाएगी, बांधते धीरे धीरे आराम मिलेगा उसमें। त्वचा रोग में क्या करेंगे, चेहरे पर जैसे दाग धब्बे आदि होने पर 3 ग्राम हल्दी को आग के पौधे के दूध के साथ मिलाकर, अगर प्रभावित क्षेत्र पर जहाँ की त्वचा पर जैसे दाग धब्बे हो गए हैं, अगर उस जगह पर लगाते हैं, उसमें खुजली, त्वचा संबंधी सारी बीमारियों में लाभ प्राप्त होगा। पाइल्स, बवासीर के लिए हम क्या करेंगे, बवासीर भी एक आज एक आम समस्या हो गई है, रोग है जो कि रोगों को ज़्यादातर हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मदार के जो आप दूध देखते हैं, इसका जो दूध होता है वह क्या होता है, बवासीर के ऊपरी भाग पर जहाँ हुआ है उस जगह पर लगाते हैं, इसमें लाभ प्राप्त होगा। अगर शरीर में कहीं भी घाव हो गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पौधे के दूध को हम निकालेंगे। अब इसमें हल्दी को मिक्स करेंगे, इसका दूध निकाल के उसको हल्दी में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जहाँ भी त्वचा में घाव हो गया है, इस पेस्ट को अगर हम लगाते हैं तो इससे आराम मिलेगा। इसके अलावा इसकी पत्तियों को अगर गर्म करके भी उस जगह पर बांधते हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। अगर पाँव में, जैसे पाँव एड़ी में जैसे कि निचली तरफ तलुए में क्या होगा, छाले पड़ गए, इसके लिए हम क्या करें, आग के जो आग आग का पौधा है, ये पैरों में छालों हो गए हैं, इसके लिए हम आग के पौधे के रस को अगर उस जगह लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, काफ़ी हद तक आराम प्राप्त होगा। और इसका दूध भी अगर लगाते हैं जो होता है, उससे भी आराम मिलता है। अस्थमा के लिए हम क्या करेंगे, इसके फूलों को सुखाकर अगर रोज़ाना इसका चूर्ण खाते हैं, इसमें अस्थमा, फेफड़ों के श्वसन रंग को जैसी सारी बीमारियों में यह लाभ प्राप्त होगा, और शरीर की कमजोरी भी अगर इसको लेते हैं तो दूर हो जाएगी। खुजली, इन्फेक्शन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आग की जड़ को जला लेंगे, ऐसी राख को तेल में मिलाकर अगर खुजली की वाली जगह पर लगाते हैं, खुजली से आराम मिलेगा। डायबिटीज के लिए हम क्या करें, मधुमेह के लिए रोज़ाना सुबह इस पौधे की पत्तियों को पैर के नीचे रख कर अगर बांध देते हैं, और रात को सोने से पहले इस पत्ते को निकाल दें, इससे शुगर कंट्रोल हो जाता है। कुष्ठ रोग हो गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पत्तियों को पीस कर सरसों के तेल में मिक्स करेंगे, इसमें इसे कुष्ठ रोग के घाव पर अगर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में कुष्ठ रोग से आराम मिलेगा। दांत दर्द आजकल हर किसी को, ज़्यादातर लोगों को, जैसे कि हम कुछ खा लेते हैं तो दांतों में धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जाके खाना हो गया, कुछ खा लिया तो जम जाता है, फिर उससे क्या होता है कि कुछ दिन में बाद दांतों में दर्द होने लगता है। उसके लिए हम क्या करें, मदार का दूध और घी, मदार का जो दूध होता है जो इसका होता है, और घी बराबर मात्रा में मिला लें, इसमें रुई का फाहा बना लें, क्या करें, डुबो लें,
इस फाहे को अगर दांत के पास रखते हैं तो दांत दर्द से आराम अवश्य मिलेगा। दांत में हम क्या करेंगे, अगर दांत इन्फेक्शन फंगल हो गया, इसके लिए हम अगर इसके मदार के जो है दूध और शहद, इसकी बराबर मात्रा में अगर शहद की बराबर मात्रा ले मिलाकर दांत वाले अगर स्थान पर लगाते हैं तो इसमें आराम मिलेगा। मिर्गी भी एक भयानक बीमारी है, इससे हर न कोई व्यक्ति परेशान है। इसके सफ़ेद आग का जो फूल है एक भाग और पुराना गुड़, जो गुड़ होता है पुराना देसी गुड़, उसका हम क्या करें तीन भाग लेंगे और फूल को पीस कर गुड़ में मिलाकर चने के दाने के समान क्या करेंगे, मटर के दाने के समान गोलियां बना लेंगे। एक एक गोली सुबह शाम अगर लेते हैं तो मिर्गी में आश्चर्यचकित कर देने वाला लाभ प्राप्त होगा। कान रोग के लिए हम क्या करें, कान में जैसे दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा होती है, उसमें क्या होता है कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कान दर्द होने पर मदार की पीली जो पत्तियां होती हैं घी में लगाकर आग पर उसको क्या करेंगे सेकेंगे, बाद में इसका रस निकाल कर अगर डालते हैं कान में तो इससे कान की सारी बीमारियों में लाभ प्राप्त होगा। प्रजनन क्षमता अगर क्या होती है कमज़ोर हो गई है, यह ज़्यादातर महिलाओं में होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आप आग के सफ़ेद फूल जो आप देख रहे हैं, यही सफ़ेद फूल होता है, इसका ये सफ़ेद फूल है, एक होता है गुलाबी फूल तरफ, यह सफ़ेद फूल वाले को आग की जड़ को सुखा कर चूर्ण बनाकर अगर दूध के साथ सेवन करते हैं, इससे प्रजनन क्षमता जो महिलाओं में कम हो गई है वह बढ़ जाएगी। हैजा में हम क्या करेंगे, आग के पौधे की साफ जड़ सुखा कर और इससे पाउडर बना लें, फिर उसमें अदरक का रस और काली मिर्च मिलाएं और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसे हर हर 2 घंटे के बाद अगर एक एक गोली 1 चम्मच पुदीने के रस के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हैजा में आराम प्राप्त होगा। अगर ऐसा माना जाता है कि जिसे संतान प्राप्त नहीं हो, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, उसका एक लोगों को मान्यता है कि अगर प्राप्ति के लिए कोई भी महिला जिसके संतान नहीं हो वह पीरियड्स के बाद, पीरियड्स जब आता है महिलाओं को, उसके बाद आग की जड़ को अपनी कमर में अगले पीरियड्स आने तक अगर बांध कर रखे हैं, ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि शीघ्र ही संतान की सुख की प्राप्ति होगी। वैसे तो ये आग के पौधा का जो दूध होता है वह विषकारक है, वह क्या है कि उसका प्रयोग विष की तरह प्राप्त करता है और वो भयानक हो सकता है अगर उसको लिया जाए। फिर भी इसके अलावा और इसकी जो जड़ हो गया फूल है उसको सुखा कर पत्ती जो गई बाहरी हम अपने शरीर पर इसके इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही लाभदायक गुण है। दूध के अलावा हम इसका हर चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, वो हानिकारक नहीं है। दूध क्या होता है विषकारक पॉइजनस है, वो है जानलेवा हो सकता है आपके लिए, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्या है कि जैसे कि इससे तो जिसके जो नुकसान हैं वह ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो इसके कुछ नुकसान हैं जिसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसा कि जो भी स्त्री जैसे कि गर्भावस्था में है उस दौरान हम इसका सेवन इसका नहीं करेंगे और कि हम इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेंगे, अगर इसकी सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह क्या है बहुत ही लाभकारी प्लांट है। तो जो इसके कुछ लाभकारी जो गुण थे मैंने आपको बताया, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक और औषधि प्लांट के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।